नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो कुछ हटके होने वाली है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो अगरबत्ती के नाम पे जो कुछ लोग जो फ्रॉड करना चाह रहे हैं हम जैसे मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के अगेंस्ट, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से जो फ्रॉड कॉल जो आपके पास में आती हैं और आप अपने आप को किस तरह से फ्रॉड कॉल से अपने आप को बचा। तो दोस्तों वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखना। ये पूरी की पूरी जो मैं आपको जो मेरी बातचीत हुई है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि किसी एक जो फ्रॉड बंदे ने मेरे मोबाइल पर फ़ोन किया तो मैं सारी बातचीत आपको सुनवाऊंगा और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों लगभग दोपहर के 12 बजे मेरे पास में एक कॉल आती है कि मैं आर्मी का मेजर बोल रहा हूँ और मेरे को 50 किलो अगरबत्ती की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे को अगरबत्ती का प्राइस और जो अगरबत्ती की इमेज वगैरह है वो आप सेंड कर दीजिए। तो इस तरह का जो कॉल है मेरे पास में बहुत पहले भी आ चुका था, पर मैं पहले से इस बार सावधान था, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पिछली कॉल में मेरे साथ में क्या हुआ था। तो उसके बाद में क्या हुआ है, मैंने कहा कि ठीक है आप व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। तो उसने मेरे को फिर व्हाट्सएप नंबर पर फिर से मेरे को मैसेज किया कि यह देखिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और जो आर्मी के जो उसने जो प्रोफाइल थी वो भी किसी आर्मी मेजर वगैरह की ही लगा रखी थी। मैं आपको स्क्रीन पर वो भी दिखाऊंगा और रिकॉर्डिंग भी थोड़ी बहुत आपको सुनवाने की कोशिश करूंगा, जो भी 10-15 सेकंड की मैंने तुरंत जितनी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली। तो उसके बाद मैंने उससे जो बात करी जो पिछले अनुभव के आधार पर मैंने कहा कि भैया कि जो अगरबत्ती या किसी चीज़ का जो अगर आर्मी को रिक्वायरमेंट होती है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। पहले टेंडर निकाला जाता है, उसके बाद में वहाँ पर चीज़ सप्लाई की जाती है। इस तरह से कोई डायरेक्ट अगरबत्ती के लिए किसी कैंटीन के मेजर को ज़रूरत नहीं होती है। फिर दूसरी बात मैंने उससे कहा कि कृपया अपना आप अपना फर्म का नाम बताइए और अपना GST नंबर वगैरह भी बताइए ताकि मैं अपना बिलिंग वगैरह में आपका डिटेल भर सकूँ। तो दोस्तों GST का नाम सुनते और जो बिलिंग का नाम सुनते वो चकपका सा गया, पर फिर आप तो जानते हैं क्या होता है आगे वो कहने लगा कि अगर आप माल सप्लाई कर सकते हैं तो बताएं, नहीं तो फिर कॉल काट दीजिए। मैंने कहा भैया कि ये जो तरीका है ये मतलब फ्रॉड करने का तरीका है ये बहुत पुराना हो चुका है, तो जिसको नहीं पता होगा ठीक है वो इनकी बातों में आसानी से आ जाते हैं बेचारे, जो हमारे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर होते हैं और छोटे छोटे जो सप्लायर होते हैं वो भी बताऊँगा कि ये फंसाते किस तरीके से हैं। तो मैंने उससे कहा मैंने कि तरीका भैया पुराना हो चुका है, तो कोई नया तरीका खोजो जो जिससे कि क्या थोड़ा बहुत जो लोग ना जानते हो वो आपकी बातों में आ जाए। तो मुझसे क्या कहता है बंदा वो कि भैया अगर आपको माल सप्लाई करना है तो करो, नहीं तो मत करो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि एक काम करो, जो मेरे यहाँ पे जो बराबर में रायवाला का कैंप है, दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेरी लोकेशन है वो हरिद्वार के पास में है और यहाँ पर एक जो रायवाला करके एक जगह आती है वहाँ पर मिलिट्री कैंप है, तो मेरे यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पे ही होगा। तो मैंने जब उससे कहा मैंने कि मेरे यहाँ पर रायवाला कैंप है, कैंटीन में ऐसा कोई माल सप्लाई नहीं होता है, और हाँ अगर कैंटीन वाले के लिए जो प्रॉपर टेंडर निकालते हैं अगर किसी आर्मी वगैरह को किसी सामान की ज़रूरत होती है तो टेंडर पर पूरी प्रक्रिया होती है, उसके बाद टेंडर पास होने के बाद में ही किसी पार्टी से माल लिया जाता है। तो इतनी बात सुनते हुए दोस्तों शक पका सा गया। फिर उसने कहा माल सप्लाई करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। मैंने कहा भैया तुम एक काम करो कॉल काट दो, क्योंकि तुम्हारे मैं समझ चुका हूँ कि यह तरीका बहुत पुराना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको आपकी उसकी कॉल सुनवाता हूँ कि जो 10-12 सेकंड की मैं रिकॉर्डिंग कर पाया, मैं आपको स्क्रीन पर उसकी रिकॉर्डिंग सुनवाऊँगा किस तरह से उसने मेरे से बात करी। और हाँ दोस्तों आप देखो नंबर जरूर अपनी डायरी में नोट करके रख लेना कि अगर आपको इस नंबर से कोई कॉल आता है ठीक है तो आप उसे फ्लैग लिस्ट में कर दें या फिर ब्लैंक लिस्ट में डाल दें। और हाँ आपके पास भी अगर कोई इस तरह की जो आर्मी से रिलेटेड जो कॉल होती है आती है कि मैं आर्मी से बोल रहा हूँ मेरे को, आप अगरबत्ती के अलावा अगर किसी और चीज़ का भी बिजनेस करते हैं तो ये सभी के लिए है, मतलब ये जो फ्रॉड कॉल जो करते हैं वो अब उसने प्रोफाइल कहाँ से उठाई, वो उसने प्रोफाइल उठाई दोस्तों मेरी जस्ट डायल से उठाई है या फिर इंडिया मार्ट से उठाई है या फिर ऑनलाइन, मेरे को आप देखते हैं मैं मेरी पूरी जो प्रोफाइल है सारी ऑनलाइन है, नंबर मेरे ऑनलाइन है, तो यहाँ से वो नंबर निकालते हैं जितने भी फ्रॉड करने वाले होते हैं। तो ठीक है मैं आपको अब आगे थोड़ी सी 10-12 सेकंड की जो रिकॉर्डिंग दिखाने की कोशिश करूँगा, फिर उसके बाद बताऊँगा कि ये एक्चुअल में उसके बाद क्या करते हैं। हेलो, हाँ जी,
अरे सर मैंने बात करी थी अभी कैंटीन में, वहाँ पे अगरबत्ती लगती ही नहीं है। नहीं सर अपने लिए मंगा रहे हो, कैंटीन में अगरबत्ती लगती ही नहीं है इस तरह से, उसके लिए टेंडर निकाले जाते हैं। अरे मैं बता तो रहा हूँ आपको, मेरे बराबर में राय वाला की जो कैंटीन है ठीक है, वहाँ पे चलते हैं, उसके बाद ही क्या कहते हैं वहाँ पे अगरबत्ती सप्लाई होती है। हाँ अरे भैया आर्मी का कैसे नंबर दे दूँ मैं आपको, राय वाला, राय वाला जाके पता। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से जो है फ्रॉड करने वाले हैं, ये मैन्युफैक्चरर को और जो सप्लायर वगैरह हैं किसी भी चीज़ के, इवन हुए हम खैर अगरबत्ती और जो साबुनानी कप वगैरह सप्लाई करते हैं, ये और भी जैसे जैसे माना आपका अंडरगारमेंट बनाने का काम है या फिर क्लोथिंग वगैरह का काम है, वो आपको क्या है इस तरह का ही लालच दे के फ़ोन करते हैं कि हमारे को बल्क क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है कैंटीन के लिए। उसके बाद वो क्या करते हैं दोस्तों, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करते हैं। ये पहले बताते हैं कि मैं मेजर बोल रहा हूँ, ठीक है, आप अगर ऑर्डर कंफर्म कर लेते हैं, हाँ जी मैं सप्लाई कर दूंगा ऑर्डर, तो आप उसको अपना रेट भी बता देते हैं। उसके बाद ऐसा चल क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि सर अभी हमारे जो सीनियर हैं वो आपसे बात करेंगे, यानी जो पहला जो बात करता है वो आता है जो मेजर, और जो दूसरा बात करता है वो आता है उसका सीनियर। तब जो जो मैं मेरी 6 महीने पहले बात हुई थी, मैं उसके अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ, चलिए मैं बताता हूँ कि उस पिछली कॉल के दौरान हुआ क्या था। तो एक्चुअली मेरा जो काम है दोस्तों, मैंने जो काम है मेरा जो कॉन जो है, जो अगरबत्ती की कॉन होती है वो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करने का काम है, तो उन्होंने बल्क में दिया मेरे को 1,000 पीस ऑर्डर का। तो आप सोच सकते हो कि 1,000 क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया कि मैं रुड़की से, आपने शायद जगह सुनी हो रुड़की, रुड़की में भी आर्मी का बहुत बड़ा एक बेस है, तो वहाँ से मैं उन्होंने बोला कि मैं रुड़की से बोल रहा हूँ मेजर, उन्होंने अपना नाम भी बताया कि मेरे को 1,000 पीसेस की आवश्यकता है मेरे को कैंटीन के लिए, तो मेरे को सप्लाई कर दीजिए और अपना रेट वगैरह बताइए। तो पहले पहले मेरे को सुन के हुआ हो सकता है कोई जेन्युइन ऑर्डर होगा, तो मैंने उनको रेट बता दिया जो भी मेरा रेट उस समय चल रहा था। तो उसके बाद में वो फ़ोन आता है कि सर एक काम कीजिए कि अभी ना मेरे सीनियर आपसे बात करेंगे कि वो आपको एक नंबर बताएंगे और आप अपना अपना एड्रेस वगैरह देंगे कि आपको जो माल है उस पर डिलीवर करना है। तो उस समय मैं इतना अनुभव मेरे को नहीं था इस कॉल के बारे में कि किस तरह से इस तरह के कॉल को डील किया जाता है। ठीक है मैंने सोचा ठीक है, मेरे को एड्रेस उन्होंने मेरे को भेज दिया कि एड्रेस है दोस्तों, एड्रेस भी फ्रॉड ही होगा। तो एड्रेस जैसे उन्होंने मुझको भेजा, उसके बाद मैंने क्या किया उस एड्रेस पे अपना वो कि हम हाँ भाई भेज देंगे, तो उसने कहा कि एक काम कीजिए अभी हमारे जो सीनियर बात करेंगे तो उनका कॉल। तो दोस्तों किसी का कभी कॉल आ गया था इसलिए आप रिकॉर्डिंग वगैरह लगातार नहीं देख पाए। तो उसके बाद में क्या होता है कि उन्होंने मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज आता है उनका, कहते हैं कि आप ना अपना जो गूगल पे नंबर है वो मेरे को दे दीजिए, मैं आपको जो कुछ पैसे एडवांस वहाँ पे भेज देता हूँ, उसके बाद में अगर आप माल डिलीवर कर देंगे तो उसके बाद में मैं आपको बाकी की पेमेंट कर दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपना गूगल पे मैंने उनको नंबर दिया कि भाई मेरा गूगल पे नंबर है, आप मेरी पेमेंट जो कुछ भी आप एडवांस में करना चाह रहे हैं तो कर दीजिए। तो उनका क्या होता है कि थोड़ी देर बाद में कॉल आता है कि मैंने गूगल पे पेमेंट कर दिया एडवांस में, आप चेक कर लीजिए। तो मैंने अपना गूगल पे वगैरह सब खोल के देखा तो पेमेंट कहीं पे रिसीव नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सर यहाँ पे तो कोई पेमेंट आई नहीं है। तो वो कहते हैं कि देखिए सर मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया, आप एक बार अपना मोबाइल खोल के चेक कीजिए। मैंने कहा कि मैंने भैया 2 बार चेक कर लिया, 3 बार चेक कर लिया है, एक्चुअली मेरे पास में कोई पेमेंट यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो कह रहा ठीक है आपको यकीन नहीं हो रहा तो ठीक है मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। तो दोस्तों उसने क्या करा, स्क्रीनशॉट फोटोशॉप करके, दोस्तों जो लोग नहीं जानते फोटोशॉप करना वो फ्रॉड वगैरह सब जानते हैं, तो
उन्होंने फोटोशॉप करके मेरे को गूगल पे का स्क्रीनशॉट मेरे नाम से भेज दिया कि मैंने आपके उसमें अकाउंट में 1,000 रुपये जमा करा दिए। अब मैंने देखा हाँ भाई स्क्रीनशॉट तो आ गया पर मैसेज नहीं आया, ना ही मेरे जो डिजिटल पासबुक है उसमें शो कर रहा है। तो मैंने क्या करा कि मैंने उसे फिर कहा, मैंने कहा स्क्रीनशॉट आपने भेजा है मगर मेरे उसमें शो नहीं कर रहा है। तो उसने क्या कहा कि एक काम करिए कि आप ना अपना गूगल पे ओपन करिए। मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। कह रहा कि दोस्तों कह रहा कि आपको लग रहा है कि ये डालना नहीं आ रहा है, आप एक काम कीजिए आपके पास में एक ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए मैसेज आ रहा होगा तो आप उस पर क्लिक करके ना पैसे रिसीव कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि कभी भी जो UPI पिन जो डाला जाता है वो पेमेंट डालने के लिए ही, क्या कहते हैं पेमेंट भेजने के लिए रिसीव किया ना कि रिसीव करने के लिए। तभी मेरा दिमाग क्या कहता है ठनक गया। मैंने कहा भाई लग रहा है ये कोई फ्रॉड बंदा है कि जो UPI पिन वगैरह डाल के पेमेंट रिसीव करवाना चाह रहा है, जबकि दोस्तों जो UPI पिन है तभी डाला जाता है जब हम किसी को पेमेंट करते हैं। तो वो बंदा मैंने कहा मैं UPI पिन तो नहीं डालने वाला, क्योंकि मैं क्यों डालूँ UPI पिन। कह रहा कि आप UPI पिन डाल के देखे पेमेंट रिसीव हुई नहीं हुई। मैंने कहा भैया कभी भी UPI पिन पेमेंट रिसीव करने के लिए नहीं डाला जाता है, पेमेंट भेजने के लिए डाला जाता है। तो इस बात पे उसको लगा हाँ ये बंदा कुछ जानता है इस सब के बारे में, डिजिटल फ्रॉड के बारे में। तो दोस्तों हुआ क्या फिर उसने, मैंने कहा कि भाई ये जो तरीका है ना तुम्हारा, ठीक है तुम ऐसे भोले भाले लोगों को ठगते हो तो तुमको मिलता क्या है। तो कहते हैं कि हमारे को मिलता क्या है कि हमारे साथ भी कुछ इस तरह का ठगी हो चुकी है, तो हम सोचते हैं इस तरह के हम भी ठग और लोगों के साथ में ठगी करें। मैंने कहा तो किसी की तुम जमा पूंजी जो होती है क्या वो भी लूटने की कोशिश करते हो। तो इस बात का उसके पास में कोई जवाब नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है अब आज के बाद में तुमने कॉल किया, ठीक है तो आज के बाद में कॉल मत करना। तो दोस्तों आप तो जानते हो उसके बाद में क्या होना था। उसके बाद में दोस्तों उसने गाली गुफ्तार देना शुरू कर दिया। अक्सर यही लोग करते हैं जब लोग ये जान जाते हैं कि सामने वाला बंदा पढ़ा लिखा है, ठीक है इनकी बातों में नहीं आने वाला है, तो उन्होंने गाली गुफ्तार देना शुरू कर दिया। तो दोस्तों अंत में हम जैसे जो सीधे साधे आदमी क्या करते हैं, नंबर काट के ब्लॉक कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास में कुछ इस तरह का फ्रॉड कॉल जो कि आर्मी के नाम से आता है और बल्क में क्वांटिटी मांगता है, तो दोस्तों आप तुरंत पहचान जाइए कि ये फ्रॉड कॉल है। यानी अगर आप अगरबत्ती का बिजनेस करते हैं या इवन सामरानी कप का करते हैं या फिर कुछ और बिजनेस करते हैं, अगर आपके पास में आर्मी के नाम से कोई भी कॉल आता है कि हमारे को बल्क में क्वांटिटी वगैरह सप्लाई कर दीजिए, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये फ्रॉड कॉल है। तो दोस्तों ये था मेरा आपका सामने शेयर किया थोड़ा सा अनुभव। दोस्तों आज की जो वीडियो है थोड़ी सी अलग है और हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो सकता है आपके लिए ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी वीडियो हो, पर दोस्तों ये जो मेरे साथ में जो कॉल आई है मेरा एक क्या कहना मन कर रहा था कि मैं आपके साथ में शेयर करूं कि हो सकता है कि आपके पास में भी इस तरह की कॉल आए या फिर पहले कभी आई हो कि इस तरह की कॉल से किस तरह से बचा जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो में आज इतना ही, काफ़ी मैं बोल चुका हूँ लगातार। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और हाँ दोस्तों अगर कमेंट में आपको कुछ सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, और हाँ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यह अलग तरह की वीडियो है क्योंकि यह जो चैनल है मैं अगरबत्ती और धूपबत्ती रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, पर इस तरह की वीडियो डालना एक ज़रूरी था अपने व्यूवर्स के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।